गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो रेनॉल्ड संख्या। आज हम लोग रेनॉल्ड संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, यहाँ ऑसवर्ड ऑसवर्ड रेनॉल्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसी नली में ध्रुव के बहने के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये देख रहे थे कि ध्रुव का प्रवाह कब धारा रेखीय होता है और कब विक्षुब्ध हो जाता है। विद्युत प्रवाह, जैसे आपको बताया गया है, विद्युत प्रवाह क्या होता है? विद्युत प्रवाह का तात्पर्य है कि जब ध्रुव का प्रत्येक कण एक सीधी रेखा में गति नहीं करता है। और धारा रेखीय प्रवाह का तात्पर्य क्या है? जब ध्रुव का प्रत्येक कण एक सीधी रेखा में गति करता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, जबकि ये ध्रुव जो है एक नली में प्रवाहित होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक नली है, इसमें जो ध्रुव रखा है या दो जो ध्रुव इसमें बह रहा है उसका श्यानता गुणांक थीटा है। नली का व्यास कैपिटल डी माना गया है, ध्रुव का घनत्व रो है, श्यानता गुणांक थीटा है, क्रांतिक वेग बी सी है। तो ध्रुव में यानी जो ध्रुव इसमें प्रवाहित किया जा रहा है उसका एक क्रांतिक वेग होता है। क्रांतिक वेग मतलब किसी नली में प्रवाहित ध्रुव का वह वेग जिस पर ध्रुव का प्रवाह धारा रेखीय होता है, इस वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग के ऊपर और नीचे इसकी वैल्यू बदल जाती है। धारा रेखीय से विक्षुब्ध, विक्षुब्ध से धारा रेखीय प्रवाह होता है। तो ये जो है बी सी यानी क्रांतिक वेग जो होता है वो मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, ध्रुव में जो क्रांति किसी नली में प्रवाहित ध्रुव का जो वेग होता है बी सी, वो उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यदि आप नली का व्यास चेंज कर देंगे तो क्रांतिक वेग बदल जाएगा। बी सी दूसरा पॉइंट है, ध्रुव में जो क्रांतिक वेग होता है बी सी, वो उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है अर्थात घनत्व पर। तो घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आप डेंसिटी चेंज कर देंगे ध्रुव का तो इसमें बी सी बदल जाएगी। जैसे जल और तेल, तो जल और तेल का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो दोनों के लिए क्रांतिक वेग अलग अलग होगा। बी सी श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक क्या है? परतों के बीच में इसका जो मान होता है, जैसे ध्रुव और जल के लिए श्यानता गुणांक अलग अलग होता है, तो श्यानता गुणांक का मतलब होता है उनके जो विरोधी बल यानी जो श्यान बल होता है विरोधी बल, उसी से रिलेटिव इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं। ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए श्यानता गुणांक भिन्न भिन्न होता है। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। इन समीकरण से यदि हम प्राप्त करें तो बी सी प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर एक साथ लिखें तो ईटा और रो इंटू डी लिख सकते हैं। इसी पे अगर हम यहाँ कांस्टेंट हटाएं तो नियम है एक कांस्टेंट रखना होता है आर ई, और यहाँ पे हो जाएगा श्यानता गुणांक और रो इंटू डी। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। यहाँ आर ई क्या है? यहाँ जो आर ई है वो रेनॉल्ड संख्या है। आर ई को हम क्या लिखेंगे? रेनॉल्ड संख्या कहेंगे यहाँ पर। तो रेनॉल्ड संख्या जो होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, इस फार्मूले से आके ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आर ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी रो डी और बटे ईटा, ये लिखा जा सकता है। यहाँ हमको यह जानना जरूरी है कि विक्षुब्ध प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कब होता है। तो रेनॉल्ड यहाँ एक कांस्टेंट नहीं है, ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा, एक संख्या है जिसका मान भिन्न भिन्न होता है। तो ये बी सी के बदलने पर रेनॉल्ड संख्या चेंज हो जाती है डेंसिटी के भी, और डी और ये श्यानता गुणांक, इन मान के बदलने पर रेनॉल्ड संख्या का मान बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहें कि इसका मान कब और कितना होता है, कब धारा रेखीय होता है और कब विक्षुब्ध होता है। तो आइए देखते हैं इसमें। नंबर एक पहला इसमें है, आर ई का मान जब 1000 से कम होता है, आर ई का मान जब 1000 से कम होता है तो स्तरीय 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 रेखीय प्रवाह होता है। स्तरीय ये रेखीय प्रवाह बना होता है, इसी को हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह।
इसी को क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह। तो जब रेनॉल्ड्स संख्या का मान जो है 1000 से कम होता है तो ये प्रवाह जो है धारा रेखीय होता है। और पॉइंट नंबर 2, जब यहाँ पर RE का मान, जब RE का मान 1000 और 2000, 1000 से अधिक और 2000 से कम होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 से अधिक और 2000 से कम, तो ये कौन सा प्रवाह होगा? तो यहाँ पर ये परिवर्ती प्रवाह होता है। यहाँ पर जो धारा रेखीय प्रवाह नहीं होगा, ये हो जाएगा परिवर्ती प्रवाह। परिवर्ती प्रवाह होता है, ये भी परिवर्ती प्रवाह हो जाएगा। यहाँ हर क्षण जो है वो बदलता रहेगा। और जब 2000 से अधिक हो जाएगा, थर्ड केसेज में, जब आरी का मान 2000 से जैसे ही अधिक होगा, ये पूर्ण रूप से विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। ये देखिए यहाँ से, ये पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह, जिगजैग मोशन। ये जो प्रवाह होता है, विक्षुब्ध प्रवाह से पाइप के फटने का खतरा होता है, क्योंकि इसमें जो इस तरह का जो प्रवाह होता है, ये जब पाइप में द्रव बहता है तो ये इस पर एक बल आरोपित करता है। ये जिगजैग मोशन होता है, इस पे ठोकर देता है, तो इस पे पाइप के फटने का खतरा होता है। और ये परिवर्ती प्रवाह होता है, इसमें केवल बदलता रहता है। ऐसे इस डायरेक्शन में ये हमारा जो धारा रेखीय प्रवाह होता है वो 1000 से ही कम होता है। तो रेनॉल्ड नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि यदि हम आरी की वैल्यू हम भिन्न भिन्न स्टेज में ज्ञात करें तो इस पे ये बीसी पर डिपेंड करता है। तो वेग जो है बढ़ाएंगे तो आरी का मान बढ़ता है, और इतने पर जो है ये धारा रेखीय होता है, ये परिवर्ती प्रवाह हो जाता है, और इस पे क्या हो जाता है? विच्युत प्रवाह होता है। विच्युत प्रवाह ये सबसे मतलब ये ज़्यादा पाइप के फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आइए देखते हैं इसमें, और इसे और किस नाम से, ए बी, इस फार्मूले में अगर हम देखें तो इसमें ए बी से, ए बी सी से गुणा कर दें, ए बी सी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। एक फार्मूला और बनाना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा रो डी ए और यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर, हमने इनसे ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ईटा ए इंटू बी सी। ओके, अब यहाँ से इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, रो ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं ईटा ए बी सी और बाई डी। अब ये भी एक फार्मूला है, आगे यहाँ तक बताया गया है। ये क्या होता है, यहाँ पर जो ये है, ये कौन सा बल है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये होता है श्यान बल। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये होता है श्यान बल। श्यान बल का जो सूत्र होता है, श्यान बल दोनों के परतों के बीच में एक बल काम करता है जिसका मान होता है ए बी सी बाई कैपिटल डी। बी सी बाई कैपिटल डी को हम वेग प्रवणता कहेंगे, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, और यहाँ पर ये श्यानता गुणांक है, तो ये श्यान बल होता है, ये सूत्र है। और ऊपर जो है रो ए बी सी स्क्वायर, इसको हम जड़त्वीय बल कहते हैं, जड़त्वीय बल कहते हैं। और इस बल का मान होता है, यानी कि ये कह सकते हैं संवेग बटे सेकंड, ये भी एक फार्मूला है, सेकंड हो जाएगा यहाँ से ये सेकंड। तो ये आपका जो है, ये जड़त्वीय बल का जो सूत्र होता है संवेग बटे सेकंड, इसको हम ब्रेक करें तो यही फार्मूला हमको मिलेगा, इसको हम जड़त्वीय बल कहते हैं। तो इसे रेनॉल्ड संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल, और बटे नीचे क्या लिख सकते हैं? श्यान बल। तो इन दोनों के रेशियो को जो है हम रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसका कोई विमीय सूत्र होता है। बस नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे ये रेनॉल्ड संख्या।